नमस्कार एसआर कैंस, बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है आप लोगों के लिए। यस, शाहरुख खान की मस्ट अवॉर्टेड फिल्म पठान 2022 की ईद को देख रहे हैं। यस, आप सभी को पता है कि शाहरुख खान फिलहाल पठान की शूटिंग में बिजी हैं और ऐसे में पठान की रिलीज डेट पहले से ही बहुत ज्यादा डेट को टारगेट कर चुके थे, लेकिन लॉकडाउन और कोरोना के चलते सारे प्लान फेल हो चुके हैं और अब अगली टारगेट है 2022 की ईद पर। यस, यशराज की दूसरी फिल्म टाइगर 3 ईद पे आने वाले थे, लेकिन दूसरी लॉकडाउन के चलते दोनों फिल्म पठान और टाइगर 3 की शूटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया था और शूटिंग की डिले होने के चलते आप पठान ईद पे आने वाले हैं और टाइगर 3 आगे जाने वाले हैं, क्योंकि जब तक पठान रिलीज नहीं हो जाते तब तक टाइगर 3 रिलीज नहीं हो सकते। इसलिए टाइगर 3 अगर बन के भी तैयार हो जाए और पठान को प्रॉपर रिलीज डेट ना मिले तो कोई फायदा नहीं। पठान सबसे पहले आने वाले हैं, उसकी बात ही आने वाले हैं टाइगर 3। दूसरी बात, शाहरुख खान की इस फिल्म की शूटिंग लगभग 60% से भी ज्यादा कंप्लीट हो चुके हैं और ये एक बहुत ही बड़ी फायदा पठान फिल्म को देने वाले हैं ईद रिलीज लेने पे। और आप ईद पे, जैसे कि सलमान खान की पिछले सारे रिलीज फेल हो चुके हैं, सलमान खान ईद फेस्टिवल को कुछ पिछले सालों में पीका कर चुके और उसके लिए आप चाहिए शाहरुख खान की जबरदस्त कमबैक फिल्म पठान, जिस पठान में सलमान खान भी रहेंगे। तो एसआर की फैंस के साथ साथ सलमान खान फैंस को भी इस ईद पे अपनी स्टार को देखने को मिलेगा। सलमान खान की राधे, ट्यूबलाइट, भारत, ये सारे फिल्में पिछले सालों की ईद को खराब कर चुके और शाहरुख खान की लास्ट ईद रिलीज से चेन्नई एक्सप्रेस, जो कि उस टाइम की हर रिकॉर्ड को तोड़ दिए थे और उस साल की हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म भी बन चुके थे। तो शाहरुख खान से यही उम्मीद रहेगा 2022 की ईद को फिर से एक बार अपने पठान से चकाचौंध करके बॉक्स ऑफिस में पैसों की बारिश कर दे और नया रिकॉर्ड बना दे, क्योंकि सलमान खान की ईद रिलीज आप ठीक नहीं जा रहे हैं। तो किंग खान की फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा गुड न्यूज है कि अब पठान की रिलीज डेट 2022 की ईद को देखा जा रहा है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया डेट है शाहरुख खान की फिल्म पठान के लिए। तो आप लोग आपकी ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइए कि शाहरुख खान की फिल्म पठान डेफिनेटली ईद में आना चाहिए या नहीं। साथ ही साथ चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।